नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टैक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों ये है कि दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये तीसरी जो पिन होती है ये मोटी क्यों होती है। तो दोस्तों मैं इसी की पिन के ऊपर बात करता हूँ, ये मोटी क्यों होती है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ये पिन मोटी क्यों होती है और ये पिन क्यों होती है, तीसरी पिन क्यों होती है, ठीक है दोस्तों। और जिस प्रकार के दोस्तों अपने चार्जर वार्जर होते हैं इसमें दो ही पिन होती है, तीसरी पिन होती भी नहीं है। तो और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण जिसमें दो पिन होती हैं और तीसरी पिन होती नहीं है। तो दोस्तों ये तीसरी पिन होती है दोस्तों अर्थिंग की होती है, ठीक है दोस्तों, मतलब ग्राउंड की, ठीक है। और जो हमारे ये पॉइंट है ये भी ग्राउंड के होते हैं। तो दोस्तों इसका फर्स्ट रीजन तो दोस्तों ये है कि हम इसको या न्यूट्रल के और या फेस के में नहीं डाल सकते। जैसे कि आप दोस्तों को पता हो कि बहुत से लोगों को नहीं पता हो कि ये न्यूट्रल का है फेस का है क्या है। तो बाई द वे इसको इस प्रकार से डाल दे, कोई इस प्रकार से डाल दे तो हमें शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में दोस्तों ये होता है कि जो ये हम इसको डालते हैं पिन को तो दोस्तों ये अर्थिंग हमें पहले मिल जाए, मतलब ये प्रॉपर अर्थिंग हमें पहले मिल जाए न्यूट्रल से और फेस से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जैसे कि हम न्यूट्रल फेस लेते हैं और उससे पहले दोस्तों हमें अर्थिंग प्रॉपर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले अर्थिंग ले लेता है, ठीक है। और तीसरी कारण ये है दोस्तों इसका मोटा होने का रीज़न ये है, मेन रीज़न दोस्तों जिस प्रकार से रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा किसी भी जैसे जैसे परत या फिर कोई वायर मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा प्रॉपर अर्थिंग हमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसका तीन रीजन तो मैंने बता दिया है, ये तीसरा रीजन है जो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेन रीजन ये है दोस्तों इसका रेजिस्टेंस को कम करना इसकी मोटाई की वजह से, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से आप इसके जो मोटाई को कम ज़्यादा करेंगे उसको उस प्रकार से उसका रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा और ये हमें रेजिस्टेंस कम करना ही हमारा मतलब प्रॉपर अर्थिंग मिलना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तीसरी पिन हम देते क्यों हैं ये भी आप समझ लिए। जैसे कि दोस्तों हमारे पास में इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं जो मेटल के बने होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल उपकरण जो मेटल के बने होते हैं जैसे हमारी मोटर हो गई, कूलर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं आपके, तो दोस्तों उनमें होता है करंट आने का डर होता है, हमें शॉर्ट लग सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये अर्थिंग है जो हमें शेप बताता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के द्वारा, आप यहाँ से समझ लीजिए, इधर से समझ देता हूँ मैं इसी में। जैसे कि दोस्तों ये मेरा कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें मैं न्यूट्रल और फेस डाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये न्यूट्रल डाल दिया मैंने, ये फेस डाल दिया। और दोस्तों ये मेरा न्यूट्रल फेस आ गया इस थ्री पिन सॉकेट में, ठीक है दोस्तों। मैं इस तरफ न्यूट्रल दे दिया और इस तरफ दे दिया दोस्तों फेस, ठीक है। और दोस्तों मेरे यहाँ पे मैं ग्राउंड को ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों इसमें मेरा मोटर जो रनिंग करती रहती है, तो दोस्तों बाय द वे इसमें अगर कोई इलेक्ट्रिकल तो सिस्टम है दोस्तों, ये कोई कारणवश इसमें इसका मतलब वाइंडिंग ख़राब हो जाए या फिर किसी भी कारणवश इसका फेस जो टच हो जाए बॉडी से या न्यूट्रल टच हो जाए, तो दोस्तों जैसे कि हम इसको हाथ लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, इस बॉडी में बाय द वे इसके संपर्क में आते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमें लगेगा शॉर्ट, मतलब करंट लगेगा। दोस्तों इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ये अर्थिंग ऐड करनी होती है दोस्तों, ठीक है। ये हमें अर्थिंग जो ऐड करनी होती है और इसको हम कर देते हैं बॉडी से टच, ठीक है दोस्तों। इसे बॉडी से टच करने पर दोस्तों क्या होगा, जैसे कि हम इसको हाथ लगाएंगे या फिर किसी प्रकार से टच होंगे इसके, तो हमें शॉर्ट नहीं लगेगा और ये हमारा जो बाय द जिसके ऊपर जो फेस या न्यूट्रल घूम रहा होता है बॉडी के ऊपर टचिंग के दौरान, तो दोस्तों ये क्या होता है हमारा सीधा ग्राउंड कर देता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये जो मोटाई की जो पिन होती है, तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जो हमें फैला मिलता है वो मोटी होने के और लंबे होने के कारण ये है कि दोस्तों इसको हमें पहले तो अर्थिंग मिल जानी चाहिए, उसके बाद में न्यूट्रल फेस मिल जाए, ठीक है। तो हमें प्रॉपर पहले ही अर्थिंग मिल जाए, ठीक है, क्योंकि हम इसके दौरान लगाते समय इसको दिक्कत ना आए। दूसरी बात दोस्तों इसकी मोटाई ये होती है कि ये रेजिस्टेंस हमें अधिक ना मिले, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो
अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। धन्यवाद।